मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महादलित महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को महिला के पति बाहर काम करने गए थे। वे अपने बच्चों के साथ गांव में ही थी। उसी शाम पास के ही गांव के सतन ऋषिदेव और उसके पुत्र प्रकाश ऋषिदेव उसके घर पहुंचे और जबरदस्ती अपने घर ले जाने लगे। सतन उससे अपनी मृत पत्नी को जिंदा करने की बात कह रहा था। आरोप लगा रहा था कि महिला ने ही उसकी पत्नी को मारा है। महिला ने कहा कि वो डायन नहीं है, तो उसके साथ काफी मारपीट की गई और उसे मैला पिलाया गया। घटना के बाद से पीड़िता और उसके पति थाना पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि सतन ऋषिदेव और उसके पुत्र प्रकाश ऋषिदेव ने एक गैलन में मैला घोल कर जबरदस्ती पिलाया। बाबू हम कुछ न जाने छी, हमरा मारपीट किया करे छु हनके, कहलकै जल्दी एकरा जिया, तू डाइन छी। कहलियै बाबू कल जोड़ के हम कहे छी कि हम डाइन छी के, हमरा निकाल, मारपीट नहीं करके, मारपीट करके हमरा गंदा पिए देलकै घूर के। इस तरह की घटना की मधेपुरा के बुद्धिजीवी समाज और समाज सेवियों ने कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को ऐसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। कि आज जहां विकास के नाम पर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गई, उसी में आज कोई बीमार महिला की मौत होती है और समाज का लोग ऐसा करता है या उसके परिवार के लोग, डायन की प्रथा है, डायन प्रथा को बंद करने का कानूनी प्रावधान है और ऐसे लोग जो किए हैं उन पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, मजबूती से कार्रवाई करना चाहिए और समाज के हम सभी को भी ये दायित्व तो बनता है कि हम लोग समाज में जागरूकता फैलाएं और इस तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको, उनकी चेतना को, समाज की चेतना को बदलें। ये हम सबका भी दायित्व तो है, इसको हम लोग उस इलाके में भी करेंगे कि यदि है पहले दोषी पर कार्रवाई हो। मीडिया में खबर लगने के बाद पुलिस हरकत में आई। घटना के 5 दिन बाद एसपी के निर्देश पर मुरलीगंज थाने में केस दर्ज हुआ। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मारपीट की पुष्टि हुई है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है और प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि ये जो आठों लोग हैं ये उसी के दियाद हैं। दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से विवाद था, उस कारण से लेकर के उस दिन मारपीट हुई थी महिला के साथ और उसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है डायन अधिनियम के तहत में। और जो बाकी के आरोप लगाए गए हैं वो भी जो प्रारंभिक जांच में अभी तक किसी के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर जो कि आवेदन में ये बातें लिखी गई थी इसलिए प्रॉपर इसमें एफआईआर दर्ज हुई है धारा 341, 323 और डायन अधिनियम के तहत और इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच करा के जो भी इसमें आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी और जल्दी चार्जशीट किया जाएगा।